हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ये एसी मोटर स्पीड कंट्रोलर जो है इसके बारे में जानेंगे। ये आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। इसको आप कूलर की मोटर जो है, जैसे कूलर का एग्जास्ट होता है जो कि काफी ज्यादा वॉट का होता है, यानी काफी पावरफुल होता है, ऐसी पावरफुल मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल करने में कर सकते हैं। इसको आप खुद से बना भी सकते हैं। मैं चूंकि इसका सर्किट डायग्राम और इसकी कंपोनेंट की डिटेल जो है वो सारा कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो ये लगभग 200 रुपीज में आपको Amazon पे मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको खुद से बनाएंगे तो हो सकता है 20 से 50 रुपए में आप इसको खुद से बना पाए। तो यहाँ पे इस मोटर स्पीड कंट्रोलर की सारी टेस्टिंग जो है उसको हम करने वाले हैं, और इससे मैक्सिमम कितने वॉट तक की मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं को आगे वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके सभी कंपोनेंट्स जो हैं उनके बारे में जानते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक करके सारे कंपोनेंट जो हैं उनके बारे में जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला जो कंपोनेंट है, जो मेन कंपोनेंट है, वो हमारा यहाँ पे एक ट्राइक लगा हुआ है जो कि इस हीट सिंक पे माउंट है। ये ट्राइक जो है ये BT-A16 ट्राइक है जो कि 16 एम्पियर तक का लोड जो है उसको हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे आपने ट्राइक जो है उसको जान लिया कि इसमें BT-A16 लगा हुआ है। जैसे हमारे BT-136 ट्राइक जो है 4 एम्पियर लोड को हैंडल कर सकता है, का उपयोग फैन के रेगुलेटर में किया जाता है, उसी तरह का ये भी ट्राइक है। साथ ही आप देखेंगे कि इसमें 2 PF लगे हैं। यहाँ पे जो ये PF है इनकी वैल्यू हम जानते हैं। ये जो PF है ये 104J 630 वोल्ट वाले PF हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स जो है वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि उस पर जो लिखा है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे एक रेजिस्टेंस लगी है। ये रेजिस्टेंस जो है 2 वॉट और 100 ओम की है। इसका कलर कोड जो है वो हम जान लेते हैं। यहाँ पे आप कलर कोड देखेंगे तो ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक एंड ब्राउन है। तो यहाँ पे 5 कलर कोड वाली ये रेजिस्टेंस है और ये 100 ओम और प्लस माइनस 1% टोलरेंस वाली रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे 5 कलर कोड वाली रेजिस्टेंस का उपयोग किया गया है। सारे कंपोनेंट्स की डिटेल जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो आपको आसानी से मिल जाए। इसके अलावा एक और रेजिस्टेंस आप यहाँ पे देख पाएंगे, एक क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस लगी है और जो कि 4.7 किलो ओम और जिसका टोलरेंस जो है वो 1% है। इसका कलर कोड जो है वो भी हम जान लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका कलर जो है वो येलो, वायलेट, ब्लैक, ब्राउन, ब्राउन है। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस 4.7 किलो ओम की है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक यहाँ पे डाइक DB3 लगा हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर लगा है जिसपे मेंशन है 205। यहाँ पे 205 की अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये 2 मेगा ओम का पोटेंशियोमीटर है जो कि मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक और पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है जो कि आपको शायद यहाँ पे दिख पाए कि ये 500 किलो ओम का है। तो इस तरह का ये 500 किलो ओम का एक पोटेंशियोमीटर इसमें लगा है। तो यहाँ पे इस सर्किट में जो भी कंपोनेंट लगे हैं उनकी मैंने वैल्यू जो है वो आपको बता दी है। यहाँ पे आप सर्किट डायग्राम जो है वो भी देख पाएंगे किस तरीके से कंपोनेंट जो है आपस में जुड़े हैं, ये आपको दिख पा रहा होगा। तो इस तरह का जो रेगुलेटर है इसको बड़ी आसानी से आप खुद से बना सकते हैं। और चलिए अब हम इसकी साइज जो है उसको मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइज मेजर करने के लिए हम जो वर्नियर कैलिपर है इसका उपयोग करेंगे, और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 36.6 mm है, और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये 48.1 mm है, और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पे हीट सिंक जो है ये मैक्सिमम ऊंचाई है तो यहाँ पे 26.4 इसकी ऊंचाई है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस सर्किट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है। चलिए अब हम इसका जो वेट है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वेट स्केल जो है हमारी 00 शो कर रही है, इस पे हम इस सर्किट का वेट जो है उसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 39.66 ग्राम इसका वेट है, यानी ये लगभग 40 ग्राम वेट वाला सर्किट है। तो यहाँ पे हमें सर्किट के संबंध में सारी जानकारी जो है वो मिल गई है। चलिए इसकी टेस्टिंग जो है वो अब हम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपने AC वोल्टेज रेगुलेटर को जो है वायरिंग द्वारा कनेक्ट कर दिया है। अब हम इससे लोड जो है वो टेस्ट करेंगे। साथ ही आप पावर मॉनिटर में जो भी वोल्टेज है उसको आप देख पाएंगे। यहाँ पे कनेक्शन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मेन इनपुट के पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये न्यूट्रल का पॉइंट है, इसके बाद लाइन का पॉइंट है जिसपे मैंने केबल जो है कनेक्ट किया, और ये हमारा प्लग जो है इसको हम पावर मॉनिटर में प्लग करेंगे। और इसके बाद आप देख पाएंगे ये हमारे आउटपुट के पॉइंट्स हैं जिनको हम
जो भी लोड इससे कनेक्ट करेंगे, जिसका वोल्टेज जो है हम रेगुलेट करेंगे, उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और इसके भी वायर्स जो हैं आप देख पाएंगे, इस साइड वाला लाइन है और इस साइड वाला न्यूट्रल है। तो यहाँ पे वायरिंग के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि वायरिंग जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, वायरिंग गलत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस वोल्टेज रेगुलेटर में लगे हुए ट्राइक कि हीट सिंक पे मैंने एक टेम्परेचर सेंसर लगाया है, जिसको मैंने यहाँ पे इस मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट किया है। और यहाँ पे जब हमारा टाइक ओवर हीट होगा, ऐसी स्थिति में हमको मल्टीमीटर में इसका टेम्परेचर जो है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए अब इसकी टेस्टिंग जो है वो हम करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टेस्टिंग में जो है एक 100 वाट का बल्ब जो है उसको लेंगे। वास्तव में इसका जो वोल्टेज है वो कितना है, यहाँ पे हम पावर मॉनिटर में इसको कनेक्ट करके पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पावर मॉनिटर के साथ कनेक्ट करते हैं। आप देख पाएंगे इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो यहाँ पे दिखा रहा है 64.3, यानी लगभग 64 वाट जो है ये बल्ब कंज्यूम कर रहा है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस समय जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे 209 वोल्ट इस समय इनपुट में हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि इस बल्ब को यहाँ से जो है प्लग आउट करते हैं और इस बल्ब को वोल्टेज रेगुलेटर के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम बल्ब को इस तरीके से जो है वोल्टेज रेगुलेटर के आउटपुट वाले पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैंने बल्ब जो है इसको कनेक्ट कर दिया है। और इसका जो टेम्परेचर यहाँ पे मल्टीमीटर में आप देख पाएंगे, यहाँ पे मल्टीमीटर में अगर हम टेम्परेचर अभी देखते हैं तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर दिखा रहा है। चलिए इसको प्लग करते हैं और इसके बाद हम इस बल्ब को टेस्ट करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर जो है उससे इसको डिम करके और हाई करके देखते हैं। तो इस समय हमने वोल्टेज रेगुलेटर के साथ कनेक्ट किया है, 0 वाट हमारा पावर मॉनिटर में शो हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है हीट सिंक का 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। चलिए अब हम वोल्टेज रेगुलेटर जो है आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे मैंने रोटेट किया, इस पोजिशन में बल्ब जो है वो हल्का सा ग्लो होना यहाँ से चालू होता है और इस तरीके से ये हमने फुल इंटेंसिटी जो है उसमें ग्लो करा दिया, यानी फुल ब्राइटनेस के साथ हमारा बल्ब जो है इस समय ग्लो कर रहा है। लेकिन मिनिमम ब्राइटनेस जो है वो 0 है, आप देख पाएंगे 0 वाट वहां पे शो हो रहा है। तो इसको हम मिनिमम को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस वोल्टेज रेगुलेटर में आप देखेंगे कि एक और प्रीसेट दिया गया है जो मल्टी टर्न प्रीसेट है। इसको हम जो है स्क्रू ड्राइवर की सहायता से रोटेट करते हैं। आप देखेंगे आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में रोटेट करके देख लें। मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं और यहां पे आप देख पाएंगे इसकी जो मिनिमम ब्राइटनेस हमें सेट करनी है तो उसको हम सेट करेंगे यहाँ पे। तो आप देख पाएंगे मैं इस तरीके से इसका मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर जो है उसको रोटेट कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट करने पे जो है क्या कंडीशन आती है आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे अभी तक बल्ब में किसी तरह की कोई ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज नहीं हुई है आप देख पा रहे हैं। और हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, इस पोजीशन में बल्ब जो है हल्का सा ग्लो हुआ है। अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में मिनिमम में सेट करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको मिनिमम में सेट कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मिनिमम जो ब्राइटनेस है जो कि हमें दिखाई दे उस ब्राइटनेस में हम इसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं इसको 10 वाट के लगभग जो है सेट कर दिया है। आप यहाँ पे देख पाएंगे 10 वाट जो है हमने इसको सेट किया है और यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा बल्ब जो है ये ग्लो हो रहा है, शायद आपको कैमरे में ना दिखाई दे। चलिए अब हम इसकी ब्राइटनेस जो है धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे धीरे धीरे मैं नॉब जो है उसको रोटेट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज और इसकी ब्राइटनेस जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से इसकी ब्राइटनेस जो है हम मैक्सिमम जो है वो कर चुके हैं, 62.66 वाट दिखा रहा है यहाँ पे। और ये वही मैक्सिमम ब्राइटनेस है जो कि हम बल्ब को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, ऐसी स्थिति आती है। तो यहाँ पे बल्ब जो है उसको तो हमने सेट कर लिया है इस वोल्टेज रेगुलेटर से मिनिमम और मैक्सिमम में। आप यहाँ पे देख पाएंगे मिनिमम ब्राइटनेस जो है वो हमने ये सेट की थी अबाउट 10 वाट के करीब। और अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा कूलर का एग्जास्ट है इसको कनेक्ट करते हैं इस वोल्टेज रेगुलेटर से और इसकी स्पीड भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बल्ब जो है उसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद हम जो हमारा एग्जास्ट है उसके वायर्स को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैं इस तरीके से इसके वायर्स जो है उसको कनेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद हम जो हमारा एग्जास्ट है उसकी मोटर को रोटेट होता हुआ देख पाएंगे। तो यहाँ पे मिनिमम में किसी भी तरह का कोई रोटेशन नहीं है तो इसको हमें सेट करना होता है, इसी को हमें सेट करना है। आप इसको कब सेट करेंगे, जैसे आपका एग्जास्ट जो है उसमें फैन लगा हुआ है कूलर में वो फिट है, ऐसी कंडीशन में मिनिमम जो है उसको सेट करेंगे कि आपको मिनिमम कितना रखना है। आपको बिल्कुल मिनिमम नहीं करना है, थोड़ा सा स्पीड रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं फिर से पोटेंशियोमीटर जो है उसको क्लॉकवाइज ही रोटेट करूंगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और मोटर में मैंने टेप लगाया है, आपको रोटेट होता हुआ वहां पे दिखाई देगा मोटर में।
तो यहाँ पे मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ लगातार। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक आपको नॉइस भी सुनाई दे रही होगी और एग्जास्ट जो है वो चालू हो चुका है, रोटेट करने लगा है। तो यहाँ पे मिनिमम जो है वो हमने सेट किया 25 वॉट, चूँकि इस समय कोई लोड नहीं है। तो चलिए इसको मैक्सिमम में करते हैं। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम में जो है एग्जास्ट की मोटर को सेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे लगभग 75 वॉट जो है विदाउट लोड ये कंज्यूम कर रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से इस वोल्टेज रेगुलेटर द्वारा आप कूलर के एग्जास्ट की मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने आपको यहाँ पे बल्ब और एग्जास्ट दोनों को टेस्ट करके यहाँ पे दिखाया, उसकी स्पीड को कंट्रोल करके और साथ ही बल्ब की ब्राइटनेस को कंट्रोल करके दिखाया है। इसी तरीके से हम जो एंगल ग्राइंडर है इसकी स्पीड को भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइस होगा तो मैं थोड़ा सा आपको फिर भी करके दिखाता हूँ। इसी तरीके से हम बड़ी मोटर्स जो हैं उनकी भी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम इस एंगल ग्राइंडर को कनेक्ट करते हैं अपने वोल्टेज रेगुलेटर के साथ में। यहाँ पे एंगल ग्राइंडर के जो वायर्स हैं ये आप देख पाएंगे, ये एंगल ग्राइंडर के वायर्स हैं और मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने एंगल ग्राइंडर जो है उसको कनेक्ट कर दिया है अपने वोल्टेज रेगुलेटर से और मैं इसको जो है ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये रोटेट कर रहा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा नॉइस है क्योंकि एंगल ग्राइंडर में काफ़ी ज़्यादा नॉइस होती है और ये मिनिमम में भी रोटेट कर रहा है। तो इसको अब हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज जो नॉब है इसको घुमाना है और यहाँ पे हम इस तरीके से आप देख पाएंगे कि इसको नॉब को जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो इस तरीके से हम एंटी क्लॉकवाइज नॉब जो है इसको घुमा लेते हैं पहले और फिर मिनिमम सेट करने के लिए इसको ऑन करेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मैंने इसको काफ़ी कुछ जो है रोटेट कर दिया है एंटी क्लॉकवाइज। अब हम फिर से टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप टेम्परेचर जो है वो भी आप देख पाएंगे, साथ ही वोल्टेज जो है वो भी देख पाएंगे। तो मैं एंगल ग्राइंडर जो है उसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एंगल ग्राइंडर अब जो है रोटेट नहीं कर रहा है। तो अब हम धीरे धीरे जो पोटेंशियोमीटर है मल्टीटर्न उसको जो है क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो इसी तरीके से हम जो है सेटिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं इसको क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमा रहा हूँ जिससे कि मैं इसका मिनिमम स्पीड जो है उसको सेट कर पाऊंगा। पोटेंशियोमीटर की नॉब जो है उसको धीरे धीरे रोटेट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज और यहाँ पे इसकी स्पीड जो है धीरे से इंक्रीज होगी। यहाँ पे आप पावर मॉनिटर में इसका वॉटेज जो है वो देख पाएंगे। तो यहाँ पे इसकी स्पीड जो है मिनिमम तो बिल्कुल सेट नहीं होगी, कुछ स्पीड जो है यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं लगातार जो है इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ और लगभग अब हमें मिनिमम स्पीड जो है वो मिल चुकी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस मेन पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसकी मिनिमम स्पीड है और अगर हम थोड़ा और मल्टीटर्न पोटेंशियोमीटर घुमा देते तो यहाँ पे हमें मिनिमम स्पीड जो है वो मिल जाती, लेकिन बिल्कुल मिनिमम नहीं रखनी है, यहाँ पे कुछ स्पीड रहनी चाहिए। और यहाँ पे इस समय ये 57 या 58 वॉट जो है कंज्यूम कर रहा है और यहाँ पे वॉटेज जो है आप देख पाएंगे यहाँ पे आपने वॉटेज जो है मैक्सिमम देखा। तो चलिए इसको प्लग आउट करते हैं हम और इस तरीके से आपने देखा कि एंगल ग्राइंडर की भी हम इससे स्पीड जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वॉटेज जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो आप 800 वॉट तक के मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जो है हल्का सा बढ़ा है, मैंने इसकी और भी टेस्टिंग की है। यहाँ पे ये मैक्सिमम 800 वॉट तक की मोटर या लोड को जो है हैंडल करने में कैपेबल है। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि मैक्सिमम लोड जो है वो 800 वॉट से ज़्यादा का न हो। अगर 800 वॉट से ज़्यादा का अगर आपको लोड जो है इस वोल्टेज रेगुलेटर से कंट्रोल करना है तो वहाँ पे आपको हीट सिंक जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 800 वॉट मैक्सिमम लोड में इसकी हीट सिंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है और यहाँ पे इसके जलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर बड़ी हीट सिंक होगी तो आप 1000 या 1200 वॉट तक का लोड जो है उसको हैंडल कर पाएंगे और ये प्रॉपरली वर्क करता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो जो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।